गाइस, ब्लूमाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज आप लोग को एक एटीएम कैश रिफिलिंग एग्जीक्यूटिव काम के बारे में आप लोगों को मैं बताएंगे और शेयर करेंगे। ये दो रकम यहाँ काम होता है गाइस, एक एटीएम नॉन बाइकर और बाइकर, ये दो पोस्ट में काम है। तो इस काम के लिए लोकेशन कहाँ है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, इसका ज्वाइनिंग किस तरह होता है, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, मैं शेयर करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में आपको पूरा के पूरा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे गाइज, ये एक एटीएम कैश रिफिलिंग एग्जीक्यूटिव का काम है। एटीएम कैश रिफिलिंग एग्जीक्यूटिव क्या होता है गाइज, एटीएम में जाके आपको कैश लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, यही आपका काम है। क्या काम रहेगा गाइज, एटीएम में जाके कैश डिपोजिट करना पड़ेगा आपको। किस तरह आपको डिपोजिट करना पड़ेगा, एटीएम जाके आपको ओपन करके उसको कैश जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप अगर नया है तो आप ये वाला काम कर नहीं पाइएगा, इसके लिए आपके साथ आपका सीनियर रहेगा, ताकि आपको अच्छा से ट्रेन करके देगा कि किस तरह मशीन को ऑपरेट किया जाएगा, किस तरह ओपन किया जाएगा, किस तरह कैश डिपॉजिट किया जाता है। आपको अच्छा से बेखूबी से काम को सिखाएगा, ताकि आप भी काम को अच्छा से कर पाइएगा। ये होता है एटीएम कैश रिफिलिंग एग्जीक्यूटिव का काम है। इसका दो सिस्टम में काम होता है गाइस, हम लोग का अभी दो सिस्टम में काम चल रहा है, एक है बाइकर और एक नॉन बाइकर। एक है बाइकर और एक है नॉन बाइकर। जिसका पास बाइक है, बाइक और लाइसेंस है, मिनिमम 10 पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए, मैक्सिमम जो एज है 34 के अंदर। कोई भी मेल, ओनली फॉर मेल, सिर्फ ओनली फॉर मेल, पुरुष काम वाला कर सकता है। तो इसका जो मिनिमम जो सैलरी है गाइस, मिनिमम जो सैलरी है आपको 9,841 रुपये आपको मिलेगा विदाउट ESIPF। इसका ओटी चलता है, हर दिन पर डे इसका ओटी चलता है। 1 घंटा में आपका एक्स्ट्रा काम करने से आपको मिलेगा 30 रुपया, 2 घंटा में आपको एक्स्ट्रा काम करने मिल जाएगा 60 रुपया। मतलब अगर आप ओटी लेकर काम कीजिएगा तो आपको हर महीने में 12-13 हज़ार रुपया सैलरी मिल जाएगा। नॉर्मली जो काम होता है 8 घंटा का काम होता है, आपको वीकली 1 डे करके छुट्टी भी मिलेगा। अगर आप ओटी कीजिएगा, ओटी कीजिएगा मतलब आपको ओटी मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। अगर काम खत्म जब तक नहीं होगा, जब तक कैश खत्म नहीं होगा, तब तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर 8 घंटे के अंदर गाड़ी में जितना कैश है, अगर कैश खत्म हो गया तो आपका भी ड्यूटी खत्म हो गया। अगर कैश रह गया तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी आपको ओटी के हिसाब से जो पैसा है 1 घंटा का 30 रुपये आपको कंपनी एक्स्ट्रा अलग से पे करेगा। तो है इनका जो नॉर्मली सैलरी होता है वो मिनिमम 9,841 रुपये सैलरी है विदाउट PAP साइड छोड़ के। ओटी है आपका 1 घंटा का 30 रुपया, 2 घंटा का 60 रुपया, इस तरह ओटी होता है। ओटी गाइस पर डे होता है, पर डे ओटी होता है। ओटी लेके आपको हर महीने में कम से कम 12-13 रुपया आपको सैलरी गाइस मिल जाएगा। क्या काम रहेगा, ये एटीएम कैश रिफिलिंग का काम है। एटीएम में जाके आपको कैश डिपोजिट करना पड़ेगा। एटीएम में कैश डिपोजिट करने से पहले जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा सीनियर का थ्रू। तो गाइस ये काम बहुत सुटेबल, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल काम है। इसका लोकेशन है गाइस पूरा के पूरा सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी, न्यू अलीपुरद्वार, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, बहुत सारा एरिया में, बहुत सारा अलग अलग लोकेशन में इसका गाइस काम है। इसका ज्वाइनिंग भी गाइस बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है, ऑलरेडी इसका ज्वाइनिंग कल से स्टार्ट है। बाइकर और नॉन बाइकर गाइस, अच्छा से बात को गाइस सुन लीजिएगा, जो ज्वाइनिंग है वो बाइकर और नॉन बाइकर, जिसका बाइक है और लाइसेंस है वो काम कर सकता है, जिसका बाइक है लाइसेंस है वो भी काम कर सकता है, जिसका बाइक और लाइसेंस नहीं है वो भी काम कर सकता है। जो नॉन बाइकर है, जिसके पास बाइक नहीं है, उसके लिए सिर्फ सिलीगुड़ी में लोकेशन है, सिर्फ सिलीगुड़ी में उसका लोकेशन है। सिलीगुड़ी में जो काम करेगा वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाइकर और नॉन बाइकर। तो गाइस इसका जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 10 पास होना चाहिए, मिनिमम 10 पास होना चाहिए, एज मैक्सिमम 34 के अंदर, 18 साल से लेकर 34 के अंदर कोई भी बंदा इसका काम में, इस काम में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये जो काम है ये बहुत एक अच्छा एक काम है, बहुत अच्छा फील्ड वर्क है, बट यहाँ कोई आपको टारगेट नहीं कराएगा, कोई पैसे दे काम नहीं कराएगा। क्या काम रहेगा, आप बैंक से कैश लेके आपको सिर्फ ATM में जाके कैश आपको डिपोजिट करना पड़ेगा, यही आपका काम है। तो गाइस अगर आप लोग इस काम में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो दिया हुआ नंबर है, आप नंबर में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो ज्वाइनिंग के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।